अगेन वेलकम बैक टू एजेस चैनल। मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे रेडिसन ब्लू का जो वाइजैक में जो रेडिसन ब्लू है उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल सा रूम है जो मेरे दोस्त को प्रोवाइड किया गया है। एंड मुझे बहुत ही जलन हो रहा है कि ये रूम मुझे क्यों नहीं मिला। मतलब तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग जाने वाले इसके अंदर। तो ये रहा मेन एंट्री रूम और ये कोई मतलब 10 लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही लोगों का है, एक ही के लिए। मतलब ये रहा उसका रूम, ये रहा दरवाजा बहुत ही बड़ा सा, एंड देन दिस इज वंडरफुल पेंटिंग, एंड ये रहा कुछ डाइनिंग भी डाला हुआ है, और ये है इसका बाथरूम। यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे एक है, आप अगर फैमिली के साथ आने चाहते हो तो यहाँ पे जरूर आ सकते हो। लेकिन ये रहा इसका, यहाँ पे तो खूबसूरत सा लाइट रखा हुआ है, एंड पूरा बंगलो टाइप फीलिंग आएगा आपको। मतलब जस्ट लिविंग एरिया है यहाँ का, एंड यहाँ पे आप ऐसे बैठ सकते हो, एंड बैठ के ऐसा मतलब क्रिकेट मैच वगैरह या फिर बॉक्सिंग जो भी आपको पसंद है वो देख लो। ये रहा वो फर्स्ट फ्लोर। तो अभी हम लोग जाने वाले धीरे 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 करके। यहाँ पर भी एक रूम है, एंड देन दिस ऑल्सो रूम, ये एक लिफ्ट है, यहाँ पे पर्सनल लिफ्ट दिया गया है। और यहाँ से भी एक, ये देखिए भाई लोग, आप लोग क्या रूम है यार, मस्त है। वो रहा मेरे सारे के दोस्त, ये जो है इसका सीरिया है, काफी पार्टी वगैरह चल रहा है मेरे दोस्तों का यहाँ पे। ये रहा खूबसूरत सा पेंटिंग, क्या लाइट्स लगाया वहाँ पे, जो इसका कलर है गोल्डन कलर टाइप रखा गया है, वाह। यहाँ पे एक और टीवी रखा गया है, एंड ये इसको हटा के आप लोग यहाँ से बाहर का नज़ारा वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे एक बार काउंटर भी है, और यहाँ पे एक और डाइनिंग रखा गया है। मतलब भाई क्या घर है यार, काश मेरा ऐसा होता, लेकिन बनाऊंगा बहुत ही जल्द, टेंशन मत लो आप लोग। ओह माय गॉड क्या घर है यार। यहाँ पे एक रूम है, देन यहाँ पे दो छीप खूबसूरत छोटा छोटा पेंटिंग, और यहाँ पे दो और रूम है। ये दो छोटा मोटा फैमिली, मतलब एक फैमिली के लिए कितना रूम डाला गया है। पर्सनल लिफ्ट है, पर्सनल स्विमिंग पूल है यहाँ पे। मतलब ये भी कुछ है आई थिंक, ये क्या है मुझे पता नहीं। ओ ये फायर एग्जिट के लिए, इमरजेंसी एग्जिट के लिए ये है, यहाँ पे रखा गया है। देख लेता हूँ क्या मिलता है। यहाँ पर भी एक लिफ्ट है, यहाँ से आप बाहर का देख सकते हो। ओह माय गॉड क्या लिफ्ट है यार, क्या घर बनाया यार। ये रहा मेरा गुगु थप्पा। अभी हम लोग जाने वाले पुल पे, और आपको बता दो कि इसका पर्सनल स्विमिंग पूल भी है। इसका एक पर्सनल स्विमिंग पूल भी है, कमाल है यार। ये मेरा गुगु थप्पा भी देख रहा है, ये मेरा दोस्त, इसका वीडियो को अनलाइक कर दो अगर मेरे वीडियो पे नहीं आया। मेरा दोस्त बहुत ही लकी है यार, उसको ये रूम मिल गया। मास्टर सब कहाँ है, कौन सा रूम में, सब कौन सा रूम में ना। और ये देखो यहाँ पे, ओह माय गॉड। और यहाँ पे है भाई इसका पर्सनल स्विमिंग पूल, हम लोग अभी उतरने वाले हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत बारिश भी गिर रहा है। ये रहा भाई स्विमिंग पूल इसका, ओह माय गॉड। नहीं देखिएगा भाई, मजा आ रहा है इसका, बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी है एक दो फैमिली के लिए। इसका आउटसाइड है, बाहर से दिखने में कुछ बंकर टाइप लगता है इसको, बाहर से देखने में थोड़ा बंकर टाइप। वहाँ पे एक पर्सनल स्पेस भी रखा गया है आपको, अगर चाय वाय पीना है तो शाम को गर्लफ्रेंड को लेके बैठ के, या फिर आपकी मर्जी। तो वाह ये है स्विमिंग पूल। हाँ चल कौन दिखे। तो हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे, मुझे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा है, शायद निकला जा सकता है यहाँ से भी। ये इसका बहुत ही चारों तरफ इसका एग्जिट रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है।
रूम अच्छा है लेकिन, ओफ क्या रूम है।